25 जून न भूलने वाला दिवस कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है, डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। 3 कम से कम ऐसे बिल थे, इनको पास कराया गया बिना किसी बहस के। इंडिया गठबंधन जो है वो उन्हें हर मिनट, यानी उनकी सत्ता के, उनकी सरकार के हर मिनट उनसे जवाबदेही मांगेगी और पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं नरेंद्र मोदी। जब जनता सत्ता पक्ष को चुनती है तो अपना विपक्ष भी चुनती है। यहाँ मजबूत विपक्ष चुनकर जनता ने ये एक मैसेज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ में दिया है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। 18वीं लोकसभा का पहला दिन, और ये पहला दिन रहा विपक्ष के नाम। जिस तरह से ये चुनाव लड़ा गया था, लगता है कि आने वाले दिनों में अगर ये सरकार 5 साल चली तो 5 साल तक हमें संसद में इसी तरह की तस्वीरें नजर आएंगी। ये दिन विपक्ष के नाम रहा, ये दिन संविधान के नाम रहा, ये दिन लोकतंत्र के नाम रहा। अभी कोई बहस नहीं हुई, कोई बिल पास नहीं हुआ, शपथ ग्रहण हो रहा था जो नए चुने गए सांसद हैं। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से मोर्चा संभाला, संविधान को हाथ में लेकर कहा इस संविधान की रक्षा हम करेंगे, जिस संविधान को पिछले 10 साल में कुचलने की पूरे तरीके से कोशिश की है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने और उनकी पार्टी बीजेपी ने। पूरे तरीके से देखा जाए तो नज़ारा बदला हुआ था। यकीन नहीं होता था कि ये वही संसद है, ये वही लोकसभा है जहां हमने पिछले 5 साल में देखा 150 सांसदों को निकाल दिया गया, अप्रत्याशित तरीके से अपमानित किया गया। संसद की पूरी जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है संसद की, लोकसभा की, उसको धराशायी करने की पूरे तरीके से कोशिश हुई। अब जो नज़ारा नज़र आ रहा है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और विपक्ष के बड़े बड़े नेता, इसके अलावा प्रियंका गांधी भी कुछ दिनों बाद जुड़ जाएंगी नरेंद्र मोदी का सामना करने के लिए। अब सामने नज़र आएंगे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, उस तरफ होंगे अखिलेश, राहुल, प्रियंका। अभी से एक तरह से मैं कहूँगी जो लय है और जो ताल है वो दोनों बंद गए हैं। अखिलेश यादव अवधेश पासी के साथ नजर आए, उन्हें आगे वाली बेंच पर हमने बैठे हुए देखा जब संविधान हाथ में था। सीधे तौर पर पता चल रहा है कि जिस दलित समुदाय का भगवाकरण की करने की लगातार कोशिश की गई कि निचले तबके से उठाकर उनको एक तरह से हिंदूवाद या हिंदुत्व का परचम उनके हाथ में पकड़ाया गया, अखिलेश यादव पूरे तरीके से अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद सीधे तौर पर ये बाजी अपने हाथ लेना चाहते हैं। तो जो मैंने देखा संसद में आज वो ये कि पूरे तरीके से राजनीति का समीकरण बदल चुका है। सोशल मीडिया पे आप जाएं तो आपको लगेगा कि नरेंद्र मोदी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, तमाम तरह का नीति निर्धारण सब कुछ उनके हाथ में है। लेकिन संसद में देखिए तो ये नज़ारा है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की कल की तकरीर देखें, ये सत्र शुरू होने से पहले तो बिल्कुल बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं, जो खुद बात करते थे प्रतीकों की, जो खुद बात करते थे नारेबाजी की। जब भी आप उनके भाषण सुनिए सिर्फ नारेबाजी के अलावा कुछ नहीं मिलता। वो कहते हैं उन्हें सब्सटेंस चाहिए, सिर्फ स्लोगन नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को शायद ये मैसेज पहुँचने में देर हो रही है। जयराम रमेश ने ये ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी को कोई शक ना हो कि इंडिया गठबंधन जो है वो उन्हें हर मिनट, यानी उनकी सत्ता के, उनकी सरकार के हर मिनट उनसे जवाबदेही मांगेगी और पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं नरेंद्र मोदी। उनकी जो उनकी बनारस में लगभग हार जैसी जो जीत मिली है उसे सीधे तौर पर पता चलता है कि किस तरह का जनाधार, किस तरह का जनादेश उन्हें मिल रहा है। तो सीधे तौर पे हम ये देखें कि अब नरेंद्र मोदी की पूरी भाषा में जो परिवर्तन नज़र आ रहा है, आप ये सोचिए कि व्यक्ति आम राय की बात कर रहा है कि हाँ जनादेश से तो देश चलता है, जब जनादेश मिलता है जनता जनादेश देती है, मैंडेट देती है, लेकिन आम राय से संसद चलती है, सरकार चलती है जनादेश से, आम राय से चलती है संसद और देश, ये बात कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। आइए सुन लेते हैं। गत 10 वर्ष में जिस परंपरा को हमने प्रस्तावित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है।
और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करे। सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है, डिबेट की, विजिलेंस की, लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नॉन बायोलॉजिकल पीएम यानी परमात्मा प्रधानमंत्री जो हैं हमारे, वो कह रहे हैं ऑपोजिशन से कि उनको सब्सटेंस चाहिए, स्लोगन नहीं चाहिए। इंडिया उनको ये कह रहा है कि कंसेंसस चाहिए, कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए, यानी कि एक आम राय बननी चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए। नॉन बायोलॉजिकल पीएम ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को डिस्कशन चाहिए, डिसरप्शन नहीं चाहिए। उसी ऑपोजिशन से सहयोग की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जिस ऑपोजिशन को अपने पैरों तले, अपने बूट के तले उन्होंने कुचल दिया है। कुछ ही मिनटों में मैं आपके सामने एक पूरी फहरिस्त लेकर आऊँगी उन तमाम कानूनों की, उन तमाम चीज़ों की जिनको पिछले 5 साल में, यानी ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण कानून पास किए गए जो 30 मिनट के भीतर, 1 घंटे के भीतर ऑपोजिशन की बेंचेस खाली रहीं, और कितने तानाशाही तरीके से इन कानूनों को पास किया गया, जिनमें से कई ऐसे भी हुए। एक कम से कम ऐसा कानून था, कृषि कानून, या कृषि कानून थे कई, 3, उनको वापस भी लेना पड़ा जब ऑपोजिशन की पूरी बेंचेस खाली थी। कुछ ही पलों में आऊँगी आपके साथ पूरी फहरिस्त लेकर, और ये आपको बताऊँगी कि क्यों इस बार ऐसा नहीं होगा। भारत को, भारत की जनता को, भारत के लोकतंत्र को और भारत की संसद को एक मजबूत, एक दमदार, एक जानदार विपक्ष मिला है, और पहली बार नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र का और विपक्ष का स्वाद चखने को मिलेगा। जब से वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे और तब से पिछले 10 साल में भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने शायद ये मज़ा कभी चखा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उनको पूरा जनादेश ना मिला हो। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक कभी उन्होंने इस बात का मज़ा ही नहीं चखा कि विपक्ष कैसे लोहे के चने चबवा सकता है। पहली बार ऐसा लग रहा है, पहले ही दिन से इस बात का आभास हो रहा है, इस तरह के आसार मिल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को लोहे के चने चबवा के रहेगा विपक्ष। तो अभी देखिए आपकी पूरा जो उन्होंने भाषण दिया है उसमें पूरी पूरी जबान उनकी बदली हुई नज़र आ रही है। उनको डिस्कशन चाहिए, डिबेट चाहिए, एक बहुत ही सिंसियर वो कह रहे हैं, डिस्टर्बेंस करने वाला उन्हें ऑपोजिशन नहीं चाहिए। और ख़ासकर उन्होंने ये भी कह दिया कि देखिए इमरजेंसी की बरसी है अगले ही दिन, और बातों बातों में बिना कांग्रेस का नाम लिए हुए उन्होंने कह दिया कि इस तरह के दिन दोबारा नहीं आने चाहिए। यानी जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत की जनता, विपक्ष और संसद, जो सांसद थे और जो संसद है, वो उम्मीद कर रही थी कि नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे, उस सबको पीछे हटाकर उन्होंने सिर्फ एक बहुत रस्म अदायगी के तौर पर, ज़रूरत क्या थी मोदी जी, अगर संसद का दूसरा ये सत्र शुरू भी हो रहा था, अगर आपको कुछ कहना ही नहीं था तो आप आए क्यों, सिर्फ राष्ट्र के नाम संदेश देने के लिए। आप सोचिए कितने महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका उन्होंने चर्चा नहीं किया। नीट का और नेट का एग्ज़ाम, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। खतरे में क्या, मैं कहूँगी तबाह कर दिया गया है। बहुत सारे तो ऐसे युवा हैं जो वापस कभी इम्तिहान नहीं दे पाएंगे। कितने सारे ऐसे लोग हैं, आपको मैंने अपनी बिहार से रिपोर्ट दिखाई थी, इसके अलावा भी मुसल्लापुर से द वायर पर ही आपने और भी कई रिपोर्ट्स देखी हैं, वीडियो रिपोर्ट्स भी देखी हैं, आपने टेक्स्ट रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं कि किस तरह से जो मंजर है पूरा बेरोज़गारी का, वो क्या आलम है कि पहली बात तो रोज़गार नहीं है, रोज़गार है इससे पहले कि कुछ पढ़ लिख कर किसी तरह से लाखों हज़ारों लोगों में मुकाबला करके अगर छात्र युवा आगे बढ़ जाता है, नौकरी की आशा करता है, तो वो इम्तिहान कैंसिल हो जाता है। अब तो ये हो रहा है कि क्या वाकई हाई स्कूल का, 12वीं का ये इम्तिहान भी करा पा रही है मोदी सरकार या नहीं, और कैसे ढिठाई के साथ, बजाय इसके कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था, शपथ ग्रहण ले रहे हैं, वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, अब सांसद बन जाएंगे। तो ये भी आप देखिए ढिठाई देखिए इस सरकार की। दूसरा, नीट के अलावा कोई हमदर्दी, कोई उन्होंने इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि इस भ्रष्टाचार के लिए किस तरह से सज़ा दी जाएगी। दूसरी बात आप ये देखिए कि जो रेल दुर्घटना हुई है उसके बारे में भी पूरे तरीके से खामोशी, सन्नाटा छाया रहा नरेंद्र मोदी के इस भाषण में। ऐसा लगता है लोगों की मौत, उनकी जान जाना उनके लिए मायने नहीं रखता।
बिल्कुल इसी तरीके से एक्ट करने की, एक ऐसा अभिनय करने की कोशिश करें नरेंद्र मोदी कि उनकी सीटें इतनी कम होने के बावजूद, तादाद इतनी कम होने के बावजूद, इतनी कमज़ोर सरकार जो बैसाखियों पर टिकी हुई है, न जाने कब तक टिकी रहेगी, उसमें कुछ बदला ही नहीं है। ना मंत्री बदले, ना प्रधानमंत्री बदले, ना संसद में कुछ बदला है। ऐसा लगता है कि मोदी 3.0, तीसरी बार मोदी सरकार, ये बताना चाहते हैं कि कुछ भी नहीं बदला। क्योंकि नरेंद्र मोदी का यही एक अभिमान है, यही उनका एक अहंकार है कि वो जनता का ये मैसेज, ये संदेश नहीं उनको मिल रहा है, वो सुन नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं कि जनता ने उनको संदेश क्या दिया है इस चुनाव में। तो रेल जो दुर्घटना हुई उसके बारे में भी न रेल मंत्री ने माफ़ी मांगी, ना उन्होंने कोई इस्तीफ़ा दिया, ना अभी तक हमें कोई रिपोर्ट मिली है, ना नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण में कोई बात कही। 2 हफ्ते में 2 बड़े कांड हुए हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये पूरा जो कांड हुआ है, ये एग्जिट पोल का, जो इसको मैनिपुलेट किया गया पूरी मार्केट को एग्जिट पोल में ये बताते हुए कि 400 पार सीटें आ रही हैं, इसमें जिस तरह से 2,00,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, इस पर भी पूरे तरीके से चुप्पी साध गए हैं नरेंद्र मोदी। इस सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है मणिपुर की जनता और जलता हुआ मणिपुर। 1 साल से ज़्यादा गुजर गया, द वायर पर लगातार हम आपको दिखाते रहे, हमने अपने रिपोर्टर्स को भेजा वहाँ पर, 2 हफ्ते उन्होंने गुजारे, एक नहीं बल्कि 2 बार। और द वायर उन संस्थानों में से एक है जिन्होंने बढ़ चढ़ कर रिपोर्टिंग की, क्योंकि सिर्फ इसलिए हमने नज़रअंदाज नहीं किया कि ये उत्तर पूर्व का इलाका है, ये सीमावर्ती इलाका है इसलिए अहम नहीं है, या ये मुख्य धारा का हिस्सा नहीं है। हमने जो अहमियत दी एक पत्रकार समूह होने के नाते, एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते, उसकी रत्ती बराबर भी सरकार के नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं है। मणिपुर पर नरेंद्र मोदी ने अब तक 13 महीने में माँ से मणिपुर नहीं बोला है, और इस नई सरकार में भी ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा नहीं बदलने वाला है। 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए, भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। तो सोचिए किस मुंह से नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में आपातकाल का जिक्र करते हैं, इमरजेंसी का जिक्र करते हैं। कांग्रेस पार्टी के काल में, इंदिरा गांधी के काल में जो इमरजेंसी लगी, उसका तो एक वक्त तय था कि हाँ 2 साल इमरजेंसी के रहे, लेकिन यहाँ 10 साल अघोषित आपातकाल के जो भारत की जनता ने, भारत के पत्रकारों ने सहे हैं, उनकी बातचीत कौन करेगा? कौन ये बताएगा कि चुने हुए सांसदों के विपक्ष को, लगभग 150 सांसदों को निकाल दिया गया और उसके बाद कानून पास कराए गए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कितनी बार ऐसा हुआ। विंटर सेशन में पिछली बार हमने देखा था, शीतकालीन सत्र था, 146 जो सांसद थे विपक्ष के उनको सस्पेंड किया गया, और इसके बाद मोदी सरकार ने कई बहुत महत्वपूर्ण जो कानून थे उनको पास किया गया। उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता है, इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण ये ऐसे कानून थे जिनको पास किया गया, और कहा गया कि नए युग का आगाज़ हो रहा है भारत में और पुराना दौर ख़त्म हो रहा है। ये नहीं बताया कि भारत में जुर्म करने और जुर्म की सज़ा पाने का जो अब तक 75 साल में जो तरीका था, जिस तरह से जनता और जो हमारा प्रशासन था, पुलिस प्रशासन और अदालतें जैसे काम करती आई थी, इसका पूरा खाका बदलने जा रहा है। ये बिना विपक्ष के, ऑपोजिशन की बेंचेस खाली रहीं जब ये महत्वपूर्ण बिल पास किए गए। इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कई ऐसी महत्वपूर्ण बिल जिनको पास किया गया। 3 बिल कम से कम ऐसे थे जिनको 30 मिनट से भी कम, 30 मिनट के भीतर उनको पास किया गया।
इसके अलावा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का आप देखें, आर्टिकल 93 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि लोकसभा को चुनना चाहिए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को जितना जल्दी हो सके। ये पहली ऐसी लोकसभा रही पिछले 5 साल में जिसमें डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव नहीं हो सका, कोई डेप्यूटी स्पीकर नहीं था। अब ये देखिए 17वीं लोकसभा का हम जिक्र करें तो 206 बार ऐसा हुआ जब सांसदों को सस्पेंड किया गया। दोनों अगर सदनों का हम जिक्र करें, मैंने आपको बताया विंटर सेशन में 146 MPs को सस्पेंड किया गया और 179 बिल पास हुए। 58% बिल ऐसे थे जो 2 हफ्ते के भीतर ही, यानी 2 हफ्ते पहले उनको इंट्रोड्यूस किया गया और उसके भीतर ही उनको पास करा लिया गया। इसमें वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल, यानी जो जम्मू कश्मीर से जो वापस लिया गया उसका स्पेशल राज्य का जो दर्जा था और इसके अलावा उसको बना दिया गया टेरिटरी, बना दिया गया यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ये कानून पास किया गया। इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बिल पास किया गया, लेबर कोड्स पास किए गए 3, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन। इसके अलावा मैंने आप बता चुकी हूँ आपको कि 3 कम से कम ऐसे बिल थे, IPC 1860, CRPC 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इनको पास कराया गया बिना किसी बहस के। तो पूरी उम्मीद यह है कि इस बार कम से कम इतना खाली मैदान या जिस तरह से ज़बरदस्ती के साथ लोकतंत्र को अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश हुई, जिस अहंकारी तानाशाही मिजाज के साथ पिछले 10 साल ये सरकार चली है, उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा। विपक्ष भी, सिर्फ ये नहीं कि सत्ता पक्ष, विपक्ष भी जनता का संदेश समझेगा। जनता ने सत्ता पक्ष को तो संदेश दिया है, विपक्ष को भी संदेश दिया है कि आप हमारा संविधान बचाइए, आप हमारा लोकतंत्र बचाइए, हमारे अधिकार और हमारी बोलने की आज़ादी को बचाइए, ये हम आपको मैंडेट दे रहे हैं। क्योंकि आप याद रखिए, जब जनता सत्ता पक्ष को चुनती है तो अपना विपक्ष भी चुनती है। यहाँ मजबूत विपक्ष चुनकर जनता ने ये एक मैसेज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ में दिया है। अब आखिरी बात कि किस तरह से नरेंद्र मोदी धीरे धीरे बदलाव लाकर, ये समझ में आ रहा है कि ज़्यादातर तो संदेश उन्हें नहीं मिल रहा है लेकिन कुछ संदेश मिल रहा है। अयोध्या की ये तस्वीर आप देखिए, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, सीधे तौर पे ये कह रही है कि 5 बड़े बदलाव हुए हैं अयोध्या में अपमानजनक हार के बाद। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ये कहती है कि यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात तो पुराने मंदिरों को नहीं तोड़ा जाएगा और शहर में अयोध्या के लोगों की गाड़ियाँ बिना किसी रोक टोक के आ जा सकेंगी। सिर्फ पहले नेताओं और अधिकारियों की गाड़ियां एंट्री पाती थी, सोचिए आप कितनी अंधेर हुई थी पिछले शासन में। VIP कल्चर माना जा रहा है कि इस पर लगाम लगेगी और एक तरह से अपने नुकसान की भरपाई करने या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है भाजपा अयोध्या में। इसके बाद अब ये देखिए कि एरो सिटी पर रोक लगाई गई है, विकास के नाम पर पूरे शहर को तबाह कर दिया गया था, इससे पहले हम आपको रिपोर्ट्स दिखा चुके हैं। और अयोध्या ज़िले के जो वाहन हैं अयोध्या धाम में उनको एंट्री मिलेगी। फ्लाईओवर का जो प्रस्ताव था वो कैंसिल कर दिया गया है। विस्थापित दुकानदारों को 30% की छूट देकर बिना ब्याज के दुकानों का आवंटन किया जाएगा और 41 गांव नगर निगम में शामिल होंगे, मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। तो कुछ तो धीरे धीरे अक्ल आ रही है, अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, संसद का सत्र शुरू हुआ है, विपक्ष ने अपने तेवर दिखा दिए हैं कि किस तरह से लोहे के चने चबवाने जा रहा है विपक्ष इस बार नरेंद्र मोदी को। और उम्मीद हम ये करते हैं कि लोकतंत्र की बहाली, लोकतंत्र की वापसी, सरकार किसी की भी हो, हम तो सत्ता से हमेशा सवाल पूछेंगे और अब भी पूछेंगे, चाहे नरेंद्र मोदी का पहला शासनकाल हो, दूसरा हो या तीसरा हो या हो सकता है इससे ज़्यादा हो, लेकिन सवाल लगातार हम पूछने जारी रखेंगे और संसद के इस पूरे सत्र को हम नज़दीक से देखेंगे, इस पर रिपोर्टिंग करेंगे और आप तक एनालिसिस लेकर आएंगे। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।